वीडियो नहीं बनाया, बोले ना। भागलपुर की तिलका मांझी स्थित हीलिंग टच मेडिका हॉस्पिटल में कोलकाता से इलाज करने आए डॉक्टर हीलिंग टच हॉस्पिटल के सामने ही घंटों जमकर हंगामा करते दिखे। वहीं इस हंगामा के दौरान सड़क पर जाम लग गया। तिलका मांझी स्थित मेडिका हीलिंग टच हॉस्पिटल में इस चिकित्सक ने आज कई रोगियों का उपचार भी किया था। हंगामा कर रहे डॉक्टर को मेडिका हीलिंग टच हॉस्पिटल के कर्मचारियों के द्वारा पकड़कर अस्पताल के अंदर ले जाया गया। बताया जा रहा है कि डॉक्टर की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जिस कारण वो सड़क पर निकल कर चिल्लाने लगे। इसके बाद वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इसको देखते हुए अस्पताल के कर्मचारियों के द्वारा उन्हें अस्पताल के अंदर ले जाया गया। वहीं अस्पताल प्रबंधन कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। वहीं इस दौरान मीडिया कर्मियों को अस्पताल के कर्मचारियों के द्वारा वीडियो बनाने से भी रोका गया। वहीं अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब डॉक्टर की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो ऐसे डॉक्टर का इलाज नहीं कर उन्हें मरीजों के इलाज के लिए अस्पताल प्रबंधन ने कैसे रखा है। वहीं हीलिंग टच मेडिका के चिकित्सक ने कहा कि कोलकाता से आए डॉक्टर की धड़कन अचानक तेज हो गई और वो बौखलाने लगे। हम लोगों को सूचना मिलने से पहले वो सड़क पर जा चुके थे, तब हम लोगों ने जाकर उन्हें वापस अपने क्लिनिक लाया और उन्हें उचित उपचार के लिए चिकित्सा प्रारंभ कर दी गई है। क्या मामला था सर प्रॉपर्टी को? सर एक्चुअली क्या हुआ कि अभी तो सब कुछ ठीक ही था हमारे हॉस्पिटल में, अचानक से थोड़ा उनका जो स्ट्रोक जैसा एक सिम्टम अचानक से हुआ, पेशेंट वो खुद एक थोड़ा एग्रेसिव हो गए। ऐसा जनरली होता है स्ट्रोक पेशेंट्स में, हो जाता है जैसा सडनली एग्रेशन होता है, एग्रेशन के बाद ऐसा सिम्टम्स वैसा शो करते हैं। एंड ही गॉट एग्रेसिव और हमने उनको फिर अभी मैनेज किया, अभी उनको दवाइयाँ दी हैं, अभी सब कुछ सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और अभी हम लोग उनको हायर ट्रीटमेंट के लिए भी हम लोग कोलकाता ट्रांसफर कर रहे हैं। सर ड्रामा तो वो नहीं बोल सकते किसी का, सर मतलब मेंटल इलनेस फिजिकल इलनेस को सर ड्रामा नहीं बोला जा सकता है। ड्रामा बोलना सर वो अच्छी बात नहीं है किसी के फिजिकल इलनेस को लेकर। अगर कोई नॉर्मल पेशेंट भी हमारे पास आते हैं तो मतलब उसके लिए भी तो ड्रामा वर्ड नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है वो बीइंग डॉक्टर वो हो सकते हैं, बट उसके बाद बावजूद भी वो बहुत ही नॉर्मल सडनली जो एक स्ट्रोक में जो होता है एग्रेशन बिहेवियर, वही एग्रेशन बिहेवियर ही था और अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और हम लोगों को हायर ट्रीटमेंट के लिए अभी हमारे जो वहाँ पे क्रिटिकल केयर इंचार्ज जो हैं डॉक्टर तनवीर, उनके साथ भी मेरी बात हुई है और हम लोग उनको MRI ब्रेन स्ट्रोक प्रोटोकॉल के लिए वहाँ पे कोलकाता ट्रांसफर। बार बार घर जाने की बात कर रहे थे वो, घर नहीं वो चीज़ तो सर मुझे नहीं पता, मैं उस सिचुएशन में सर मैं उस प्रेजेंट सिचुएशन में मैं नहीं था। आज कुछ मरीजों का भी वो इलाज किए थे क्या? मरीजों का इलाज तो डेफिनेटली उसके जस्ट कुछ देर पहले ही मतलब उन्होंने इलाज किया था। जैसे अभी एक मरीज जो जिनकी मौत हुई है तो बोल रहे थे उसी डॉक्टर के दौरान। नहीं 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 ये टोटली ये टोटली मैं इन सारे चीज़ों से मैं डिनाई करता हूँ। यहाँ पर क्रिटिकल केयर इंचार्ज मेडिका का मैं ही हूँ, मैं डॉक्टर रॉबिन्सन मैं ही हूँ। इन सब चीज़ों से किसी की कोई बातें बहुत सारी होंगी बट सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर मैं बोलता हूँ मैंने ही किया है सारा कुछ। पेशेंट का इवन पेशेंट रिलेटिव से आप बुलाकर बात करेंगे तो वो लोग आपको बताएंगे कि मैंने सारा कुछ आज से नहीं ड्यूरिंग द एडमिशन से लेकर अभी तक पेशेंट पार्टी के साथ सारा कुछ कॉपरेट करते हुए सब सारा बिहेवियर वैसा ही था। और फिर पेशेंट पार्टी वॉज वेरी मच अंडरस्टैंडेबल, उनके पास थोड़ा फिनेंशियल इशूज रहा था जिस वजह से एक लेट थोड़ा एक लेट डिसीजन हुआ और ये चीज़ तो खैर लाइफ और ये तो खैर भगवान का दिया चीज़ है। मैं डॉक्टर रॉबिन्सन, डॉक्टर का नाम क्या है? नाम तो मुझे नहीं पता, शायद शांतनु पॉल, शांतनु घोष या ऐसे कुछ नाम। 13 तारीख को उन्हीं का शिविर लगना था क्या? नहीं 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 13 तारीख को जो शिविर लगना है वो हमारे क्रिटिकल के वो हमारे जो है चाइल्ड हार्ट स्पेशलिस्ट आ रहे हैं उनका शिविर लगना। आपका परिचय बता। मैं डॉक्टर रॉबिन्सन।